आपको नहीं दिखती, उन्हें मेरी बात सुनो ना, ये चीजें आपको नहीं दिखती, आपको दिखता है लीबिया का कतलेआम, बहरीन के कतलेआम पे आप सब खामोश है, आपको दिखता है वजीरिस्तान का कतलेआम, पाड़ा चनार पे आप सब खामोश है, आपको जब यहां से टेररिस्ट निकाले जाते हैं, सिपा साहबा के अदालतों से छोड़े जाते हैं, वो आप देखते हैं, और एक मखसूस तबके को जो है 15 साल से जेल में सड़ाया जाए उस पर आप लोग नहीं बोलते। तो गुफ्तगू अगर यहीं पर करनी है, और अभी हुसैनियत की बात हुई, जब मैं पूछता हूं आपसे, अफवाज पाकिस्तान पर हमला करना सोच है तालिबान की, आप हमसे अगर जवाब नहीं लेंगी और आपने बीच में फलसफा करना है, नहीं नहीं दीजिए, सुबह शाम हमें यहाँ बैठ के डाकू भी कहो आप, यहाँ सुबह शाम बैठ के हमें चोर भी कहो, हमें जरूरत क्या है? आप अपने अंदर तो लोग तलाश नहीं करते, जो तालिबान को फोन की टेप आप लोगों को सुनी थी आपके साथियों की, जो तालिबान को दावत दे रहे थे कि 40,000 फौज आ रही है मारो उसको, उस पर आप लोग बात करने को तैयार नहीं हो। आप मेरी बात कंप्लीट होने दे, उसके बाद आप जो दिल चाहे कहते रहे, क्योंकि इज्जत अल्लाह के बाद अब आप लोग के हाथ में, आप अपने इदारों पे आप चलते हैं एजेंडों पे, आप लोग हक की बात कर ही नहीं सकते। किसी दिन इस पर आए और आप तमाम साथी हमसे मुनाजरा कर लें, ईद मिलाद नबी के जुलूस में हमला करो तालिबान की सोच, मजार शरीफ पे हमला करो तालिबान की सोच, उलमा अहले सुन्नत को मारो तालिबान की सोच, उलमा अहले तशी को मारो तालिबान की सोच, दिवाली इदारों पर हमला करो तालिबान की सोच, अल्लाह अकबर कहकर गले काट दो लोगों के, डीजल भर के उन पर आग लगा दो तालिबान की सोच। और जब शहबाज शरीफ अगर आगे से ये कहे हमारी और तालिबान की, तो एक ही सोच है हम पे क्यों हमले कर रहे हैं। खुरम दस्तगीर साहब, इस्लाम में लिखा हुआ खुरम गले काट दो और आप उसकी हिमायत करो या बैठ के। ओके ओके खुरम दस्तगीर साहब, आप की बात है, 36,000 है ना, कोई प्रोग्राम नहीं उनके ऊपर। तो 36,000 मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को जो कत्लेआम कर दिया, इसलिए उनको हुसैनी कहते हैं, क्योंकि हर दौर अपने लाता है यजीद, हर दौर को रहेगी जरूरत हुसैन की, इसलिए कहते हैं।